पानीपत के SDVM स्कूल के अध्यापक स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। टीचरों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन बच्चों से पूरी फीस लेने के बाद भी उन्हें आधी सैलरी दे रहा है। साथ ही एक फॉर्म पर साइन करवाए जा रहे हैं जिस पर लिखा है कि टीचर पूरी सैलरी ले रहे हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि पानीपत की प्रमुख शिक्षण संस्था द्वारा संचालित SD विद्या मंदिर के शिक्षकों को अपनी मांगे मनवाने के लिए धरने पर बैठने व स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा है। टीचर्स का कहना है कि वे लोग पिछले लगभग 25-25 सालों से स्कूल में कार्यरत हैं, लेकिन प्रबंधन द्वारा लगातार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए जाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों से बच्चों की पूरी फीस ली जा रही है, लेकिन उन्हें वेतन पूरा नहीं दिया जा रहा। प्रबंधन द्वारा कभी 50% तो कभी 70% सैलरी दी जा रही है, जिसके चलते उनको घर का गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। स्कूल प्रबंधन पर तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जबरन लेटर पर साइन करने के लिए कहा जा रहा है। टीचर्स ने कहा कि वे पहले दिन से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्कूल प्रशासन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा और लगातार उनकी सैलरी में कटौती कर रहा है। वही स्कूल के बच्चों का भी कहना था कि स्कूल द्वारा उनसे पूरी फीस ली जा रही है और वह टीचर्स को पूरी सैलरी आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं। यह स्कूल की गलत बात है और वह अपने टीचर्स का समर्थन करते हैं। वही दूसरी ओर स्कूल के चेयरमैन सतीश चंद्र ने शिक्षकों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। पानीपत से संवाददाता प्रवीण, उनसे पूछिए आप। सर, वो तो आरोप लगा रहे कि फीस इनकी जो तनख्वाह है सैलरी वो कटी जा रही है, और आज जो है आप लोगों ने उनसे जो है कहा कि सैलरी सबको जा रही है। कारण क्या है सर धरने पर बैठने का, क्योंकि वो कह रहे हैं पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। गलत है, कोई ऐसा नहीं है किसी को 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी काट के मिल रही है, बहुत कम मिल रही है, इससे घर का गुजारा नहीं हो रहा। ऐसे फीसें नहीं आ रही पूरी, स्कूल मैनेजमेंट जितना दे सक रहा है वो दे रहा है। सर वो ये कह रहे हैं कि आप एक फॉर्म साइन करवा रहे हैं, उसमें ये लिखा गया है कि हम जो सैलरी दें आप उसको एक्सेप्ट करें, अगर आप नहीं करते तो कोई फॉर्म नहीं साइन कर रहा है, कोई कुछ नहीं चल रहा है, जो कुछ है ऐसे ही है। सर वो कौन सा फॉर्म है? बॉन्ड साइन, बॉन्ड होता है वो, बॉन्ड। कोई बॉन्ड साइन नहीं कराया, ना किसी को जवाब दिया है टीचर को हमने, ना कोई बॉन्ड साइन कराया। सैलरी सबको जा रही है, बैंक से जाती है, कोई कैश सैलरी तो जाती नहीं किसी को, बैंक से जाती है सबको। सर हमारे पास स्टूडेंट से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने पूरी फीस दी है। भैया आपको पता है बहुत सारी तो फीस माफ़ी हैं, बहुत सारे डिफॉल्टर्स हैं, अभी तक अगस्त की, जुलाई की, जून तक की फीसें नहीं आई हैं। उन कहने से तो कुछ नहीं बन जाता, वो तो रिकॉर्ड की चीज़ है। नहीं टीचर को 90% फीस आ चुकी है कि हम कॉलिंग कर रहे हैं, हम टीचर्स को सारा कुछ, सिर्फ ट्यूशन फीस आ रही है जी। गवर्नमेंट ने भी बोला है, सरकार ने कि आप ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आप जितना काम, आप जिस हिसाब से काम आप लोग एम्प्लॉयर अप्लाई बैठ के सेटल कर ले कि भी कितनी उसको सैलरी देनी है, कितनी उसको सैलरी लेनी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है। बातचीत के लिए आए टीचर, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं जब तक प्रशासन जो है स्कूल मैनेजमेंट उनसे बातचीत नहीं करेगा तब तक वो प्रदर्शन का जारी रहेगा। हमने तो कोई ना बात करने वाली बात ही नहीं, आज तो होके गए हैं सारे। उनको आने से कहा है कि भाई सोमवार से आप आके, और बच्चों को बुलाया सोमवार से तुम जी, कि भाई सोमवार से आप आओ और क्लासेस लो। 9 to 12 भी है, उनसे कंसेंट फॉर्म ले रहे हैं पेरेंट्स का, जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है उनके हिसाब से, और 6ठी से 8ठी भी शुरू होनी है, अब तो सारा स्कूल शुरू होना है। मैं समझता हूँ ये दिक्कत है कि भाई उनको घर से काम कर रहे थे तो घंटे आधे घंटे में काम निमट जाता था, अब स्कूल आना पड़ेगा तो फुल टाइम देना पड़ेगा। मतलब स्कूल अब फीस पूरी देगा जो है टीचर यहाँ पर आके काम करते हैं स्कूल के अंदर है जी, टीचर्स को सैलरी पूरी मिलेगी आगे से, मतलब आने वाले टाइम में जब लगातार टीचर्स आएंगे स्कूल को फीस पूरी आ जाएगी तो पूरी देंगे। फीस, ट्रांसपोर्टेशन या जो भी जो हमारे जो है वो आएंगे जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से। ये समाज का स्कूल है, किसी का पर्सनल नहीं है, मैनेजमेंट को कोई सैलरी नहीं लेता है, हम सिर्फ सेवा के लिए बैठे हैं। ये नहीं है कि भाई कोई बचा के हमने अपने घर ले जाना है, ये समझना चाहिए उनको, पता है सबको, जो आएगा उनके लिए या उन्हीं के वेलफेयर के लिए कौन मना करता है। टीचर्स ने पढ़ाना है, जो कह रहे हैं जवाब दे दिया, अगर जवाब देंगे तो दूसरे को रखना पड़ेगा या बगैर उनके काम चल जाएगा। मैनेजमेंट तो पढ़ाने से रहा, किसी को कोई जवाब नहीं दिया है, सिर्फ आने के लिए बोला है। पुलिस क्यों बुलानी पड़ी? पुलिस आई है, पुलिस क्यों बुलानी पड़ी? हमने नहीं बुलाई, हमने कोई पुलिस नहीं बुलाई, कोई पुलिस नहीं बुलाई, ना हमारे नॉलेज में कोई पुलिस आई है। पिक्चर दे दीजिए सर अपना, पिक्चर दे दीजिए आप अपना, क्या देंगे पद आपके सामने ही है।
सर चैनल नाम और डेजिग्नेशन हम तो जानते हैं, जनता जो चल चल रही है देखेगी उसको। मैं चेयरमैन हूँ, आप नरेश जी शक्ति। सर आपका नाम क्या? सतीश चंद्र। सर एक आखिरी सवाल, फीस बच्चों फीस पूरी आने की बात देंगे देंगे बिल्कुल देंगे क्यों नहीं देंगे। बस ये कह रहे हैं हमसे, कहना मैं पूरे साल में पूरी फीस ली है, इनको सैलरी आधी दे रहे हैं तो इसलिए सारे इकट्ठे हैं। तेरे घर से फोन आया, आधी फीस नहीं आधी सैलरी दी जा रही है, हमसे पूरी फीस ले रहे हैं और सब पूरा क्योंकि हमको स्कूल मॉडिफाई करा इन्होंने। सर ये पैसा कहाँ गया? बाकी पानी है बड़े पक्के हो। क्या नाम है? ये सारे हमको तो शुरू से पता है भाई, इनके फोन आते हैं कि फीस दो फीस दो, पेपर नहीं देंगे, स्कूल से निकाल देंगे तुमको, मेरे को एक पेपर में बैठने भी नहीं दिया, फीस नहीं दी तुमने, इनको सैलरी नहीं दे रहे। ये तो सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल वाले नहीं दे रहे सैलरी, हमारे स्कूल वाले भी नहीं दे रहे और हमसे फीस पूरी ले रहे हैं। पिछले एक साल से अप्रैल मंथ से जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से हमें परेशान किया जा रहा है। शुरू में इन्होंने कहा कोऑपरेट कीजिए, स्टाफ ने पूरा कोऑपरेट करा, अप्रैल की सैलरी पहले नहीं आई, मई की सैलरी नहीं आई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर 50% आई, पूरे साल से कोऑपरेट करते आ रहे हैं। अब सारी फीसें आने के बावजूद भी ये चाह रहे हैं कि सैलरी ना दें, ये फॉर्म आप देख सकते हैं, इसको जबरदस्ती साइन करवाया जा रहा है ताकि टीचर्स को सैलरी ना देनी पड़े। आज जब टीचर से बात हुई, चार दिन से टीचर्स को बुला बुला के धमका रहे हैं कि आप इसको साइन करो, आज जब टीचर्स ने कहीं उन्हें मना कर दिया, उनको धमकी देने के निकल जाओ गेट से बाहर। इतने पुराने पुराने टीचर हैं, 25-25 साल पुराने, उनको 6-4 महीने से निकाल दिया, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से किसी को निकाल नहीं सकते हैं। आज स्टाफ पूरा परेशान हो के, जब ये लग रहा है कि हमारा जीना ही मुश्किल हो गया है, तब आके बाहर आके बैठा है और अभी भी शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं कि हमारी मांगे पूरी होंगी। उम्मीद है प्रशासन और मैनेजिंग कमेटी जितने भी मैनेजमेंट मेंबर्स हैं हमारी दुख को समझेंगे और हमारे साथ न्याय होगा। हमारी बात हुई अंदर मैनेजमेंट, उनका कहना है कि जो टीचर है लंबे समय से घर पे थे लेकिन अब उनको बुलाया गया, इसी कारण शुरू से बच्चों की फीस पूरी आ रही है, बच्चों की फीस पूरी आ रही है तो हमारी सैलरी क्लियर। और घर से थे तो घर से भी हम शुरू से ऑनलाइन क्लासेस लेते आ रहे हैं, अपने अपने नेट के कनेक्शन लगवाए हैं, अपने अपने वाईफाई के कनेक्शन लगवाए हैं, नए नए मोबाइल्स लेके आए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए मोबाइल अलग, इतने खर्चे उसके बाद भी हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हमें सैलरी नहीं आ रही और बच्चों की फीस आ रही है। सारे टीचर्स हमारे आपका SDPM की रेपुटेशन जानते हो कि टीचर बच्चों के लिए मरने के लिए तैयार है, अभी भी हम कल क्लास लगेगी तो यहीं से पढ़ा देंगे, पढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे स्कूल का नाम किस वजह से, हमारे रिजल्ट्स की वजह से नाम है, किस वजह से है? क्योंकि टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स में हम यहाँ पे बैठे हैं जी शांतिपूर्वक तरीके से, उम्मीद में है कि हमारी मांगे मानी जाएंगी और इस तरीके के जो झूठे इल्जाम हमारे पर लगाए जा रहे हैं टीचर्स के ऊपर, वो अपने इल्जाम वापस लेंगे और हमारे जो अधिकार हैं हमें देंगे। सर बात ये है, हम धरने पर इसलिए बैठे हैं, हमें हमारी सैलरी नहीं मिल रही है इसलिए हम धरने पर बैठे हुए हैं। जैसे जैसे COVID-19 स्टार्ट हुआ मार्च में इन लोगों ने हमें सैलरी दी, उसके बाद अप्रैल से लेकर आज तक हमें सैलरी पूरी नहीं मिली। कभी ये 40% देते हैं, कभी ये 50% देते हैं और कभी ये 60 तक पहुंच गए हैं और अब हमसे ये लेटर लिखवाई जा रही है फोर्सफुली और ये कहा जा रहा है कि जितनी सैलरी हम आपको देंगे उसके हिसाब से आप ये लेटर देख सकते हो। क्या है इस लेटर में, क्या लिखा हुआ है? इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि COVID-19 के दौरान पेरेंट्स जो हैं वो फीस देने के लिए असमर्थ हैं और फीस देने के लिए असमर्थ होने के कारण आप लोगों को हम सैलरी नहीं दे पाएंगे। ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं सर, जो कि देखो हमारी अपनी फैमिली है, मार्च से लेकर अब तक हमें सैलरी पूरी नहीं दी गई, हमारे अपने एक्सपेंसेस हैं, हमारी अपनी फैमिलीज है, हम लोग बहुत सफरर हैं और एट द एंड हमने ये डिसाइड किया है कि हमें ये करना है, क्योंकि जब इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये एप्लीकेशन थोप दी गई, हमें ये ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि इसके ऊपर साइन करो, तो उसके बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं, अदरवाइज हम कंप्रोमाइज़ कर रहे थे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिल रही थी। कितने टीचर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हैं इस समय? मतलब कि 80 से लेकर 90 टीचर तक प्रोटेस्ट में हैं, क्योंकि बाकी टीचर्स को घर भेज दिया गया ये कहकर कि अब आप जा सकते हो। हमारी चेयरमैन सर के साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि ओके आपने एप्लीकेशन दे दी है, नाउ यू कैन गो होम, और बाकी उनको नहीं पता था। और बाकी यही देखो कि हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, हमें ये कहा गया है कि आपका आपके लिए रास्ता बाहर का खुला हुआ है, यू कैन गो। पॉलिटिकल मोटिवेटेड, और इसमें मुझे ये बताओ इसमें पॉलिटिकल लेवल कहाँ से आया? ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई पॉलिटिकल लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप अपने हमारे मतलब स्कूल के अकाउंट चेक करवा सकते हो कि अब बैंक में हमारी सैलरी आती है कि किस महीने से कितनी सैलरी आई है, तो इट विल बी एवरीथिंग क्लियर कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसके अंदर पॉलिटिकल लेवल है या टीचर्स का धरना है, टीचर्स के अपने राइट के लिए, हम अफसर अपना राइट मांग रहे हैं, हमें हमारा राइट दे दिया जाए। नहीं, हम तो 100% सफल है, हाई कोर्ट के ऑर्डर देखो आप, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब आप ट्यूशन फीस बच्चों से ले रहे हो
तो टीचर जो टेम्परेरी है जैसी भी है 100% सैलरी दोगे और उसे निकाल नहीं सकते। हमारा तो ना सफल होने का कोई मतलब ही नहीं। अगला कदम क्या रहेगा? हम धरने पर बैठेंगे और आज तो शुरुआत है, अभी देखना फिर क्या होगा आगे आगे। बातचीत हुई अंदर, वो कह रहे हैं कि जैसा आप लोग बोल रहे हैं ऐसा है नहीं। वो तो कहेंगे ही, वो क्यों अपनी गलतियाँ मानेंगे? इतने लोग झूठे, इतने लोग झूठ थोड़ी नहीं बोल रहे जो यहाँ बैठे हैं। और एक एक टीचर सबसे समझदार व्यक्ति है समाज का, जो राष्ट्र निर्माताओं को बनाता है, किसी को SP बनाता है, किसी को DSC बनाता है, किसी को कुछ बनाता है, और आज वो यहाँ धरने पे बैठा, इसे शर्मनाक बात इनके लिए और क्या होगी। बच्चे भी आपके समर्थन में आए हैं? बच्चे भी हमारे समर्थन में खड़े हैं, सारे पेरेंट्स खड़े हैं हमारे समर्थन में, पूरा शहर हमारे समर्थन में है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।